हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नर्सिंग। तो जैसा कि आज आपको सबको पता है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर एम्स ने अपनी औकात दिखा दी है और सबको पता है कि अपनी जो वैकेंसी है उसकी 9/7 की वो उसने रिलीज कर दी है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी दी है। ये तो मजाक वाली बात है। देखिए, आपके लिए ओनली 487 आपके लिए वैकेंसी दी है एम्स ने, यानी कि 1487। कहाँ अपन 3,000 का वेट कर रहे थे कि 3,000 वैकेंसी आएंगी, 3,000+ वैकेंसी, और एम्स ने निकाली कितनी, 1487 वैकेंसी, ओनली 1487 वैकेंसी। तो आइए देख लेते हैं इसने क्या किस तरीके से बांटा है उनको अपने लिए। ठीक है, तो अब देखो, आपको सबको पता है वो 80/20 वाला, मैं क्या ही बोलूँ, 80/20 वाली तो 80/20 वाली बात तो है ही। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन मेल की और फीमेल की अलग अलग देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें जो मेल की है, ये वाली जो अनरिजर्व मेल की है, अनरिजर्व मेल की, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ अनरिजर्व मेल की कितनी आई है। अनरिजर्व मेल की आई है ओनली ओनली 112। अनरिजर्व मेल की आई है ओनली ओनली 112, 112 वैकेंसी आई है। उसके बाद में ओबीसी में देखी जाए मेल की, तो वो आई है 87। ठीक है, ये नॉर्थ सेट सिक्स में आई थी 109 अनरिजर्व में, और इसी आई थी इसमें 67 ओबीसी की। ठीक है, और जो अपनी अब एससी में आई है, एससी में लगभग आई है अपने 41 वैकेंसी आई है, और एसटी में आई है अपनी 22। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में आई है अपनी 40 वैकेंसीज, ओनली 40 वैकेंसीज। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद में अब आप देख लीजिए, अब बाकी की जो बची हुई है वो आपके लिए फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बाकी जो बची हुई वैकेंसी है जो है। ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व में मैं बता दूं आपको, अनरिजर्व में बची हुई, हाँ, लगभग 398 वैकेंसी बची हुई है जो उस आपके फीमेल के लिए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी में लगभग बची हुई है, ओबीसी में लगभग वो चाहिए 345। ठीक है, और उसके बाद में एसटी में देखें तो 79 है, और अपन उसमें ईडब्ल्यूएस में देखें, ईडब्ल्यूएस में देखें 181 है, और एससी में है लगभग 182 वैकेंसीज इसमें है गर्ल्स के लिए। तो ये सब वैकेंसीज का चार्ट था, वैकेंसीज अब आप सब देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए शेयर भी कर दूंगा, और आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्स ने अपने साथ धोखा किया है। तो देख लीजिए आप वैकेंसीज, और तो यही है, और अपना जो नया आप पढ़ना है जो पढ़ना बंद कर दीजिए, और जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए, और मेरे हिसाब से शायद अब आप मंडे तक शायद ये अपन को बता देगा कि सिटी कहाँ आएगी। सेंटर सेंटर तो एक एक दिन दो दिन पहले रिलीज करता है एम्स। ठीक है, और जो सिटी है वो आपके लिए बता देगा शायद 1 वीक बिफोर, यानी कि मंडे तक बता देना चाहिए, मंडे तक शायद बता देगा आपको सिटी के लिए ना। और इसके बाद में आप अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से जाना है उस सिटी में, और मैं आपको बता दूंगा आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी चीज़ होंगी कि एम्स से रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड, या फिर नेक्स्ट कोई वैकेंसीज आ रही है उससे रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज है, अब आरआरबी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी कुछ होगा, मैं आपको सब बता दूंगा, और भी कोई जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, और मैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लेके आता रहूँ। थैंक यू।